जय हिंद दोस्तों। जेसीओ हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। 11 पेज का पीडीएफ है, एमओडी ने जारी कर दिया है एजीएस ब्रांच की तरफ से। आपको हर एक पेज पर सील मिलेगी और लास्ट में ब्रिगेडियर साहब का साइन है, अखिल कुमार सिंह ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर पे एंड पॉलिसी 28 अगस्त 2024 का। और आज है 31 अगस्त, यानी दो दिन बाद आपके पास वो जानकारी मिल रही है जो आपके लिए, आपके बच्चों, बीवी, सबके लिए उपयोगी है। यानी हाँ जी, जहां बात कर रही है गवर्नमेंट, क्या बैंक लाखों रुपए आपको पीआई कवर देती है, क्या आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए लाखों रुपए देती है, क्या आपको इंश्योरेंस कवर देती है जहाज में, ट्रेन में, यदि कहीं गिर गए हो, यानी कौन कौन सी बैंकें देती है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 13 से 14 बैंक के साथ करार हो गया है और ये करार का 11 पेज का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सुने, समझें और अमल करें। हर एक जो भी कोई जिस इलाके में, जो मेरे साथ हेड क्लर्क हैं एजुकेशन के, जो भी समझदार जो समझ सकते हैं, इसको पीडीएफ हमसे जरूर लें और अपने आसपास सब लोगों को अवेयर करें। और कल ही मेरी एक बहुत बड़े लेवल पर बात हुई, उन्होंने मुझे भेजा है कि आप इसके लिए सबको अवेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। हम वैसे कभी नहीं कहते कि नहीं आप देखो, लाइक सब्सक्राइब, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कल ही मेरी सोल्जर बोर्ड में मीटिंग थी, इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही थी, किसको मिलेगा, कौन सी बैंक नहीं करेगी। आज सारा दूध का दूध, पानी का पानी, यानी एमओडी का किस किस बैंक के साथ करार है, कौन कौन सी बैंक आपको सर्विंग है, आप रिटायर्ड हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रही है, बच्चों तक की सुविधाएं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले सर्कुलर IHQ एमओडी आर्मी AGS ब्रांच कंसोलिडेट गाइडलाइन अवेयरनेस ऑन DSP अकाउंट बेनिफिट अगस्त 2024। उन्होंने कहा ओवर ए पीरियड ऑन टाइम नंबर ऑफ एडवाइजरी रिलेटेड द DSP अकाउंट बेनिफिट हैज बीन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम क्रिएट अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट। कि कई प्रकार की एडवाइजरी अलग अलग प्रकार की निकल रही है, कई प्रकार का कंफ्यूजन है, तो कल आपका हम ये कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं और ये आपको साथ 11 पेज की एक एडवाइजरी भेज रहा हूं। इट इज नोटिस दैट मैनी सर्विंग रिटायर्ड एंड NOK आर आइदर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट फीचर्स एंड अनअवेयर अबाउट द प्रोसीडिंग स्टेप टू बी टेकन टू अवेल द फैसिलिटी। ये सिर्फ हमारे रिटायरीज और उनके जो नेस्ट ऑफ किन है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए आप ये लाखों रुपए जो आपके लिए बनाए गए हैं वो आप ले नहीं पाते हो, ये बड़े दुख की बात है, उन्होंने कहा। तो इसके लिए आप उसकी फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, इसके लिए मैं आपके सामने, एम है कंसोलिडेटेड गाइडलाइन टू सर्व एज वन रेफरेंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू DSP अकाउंट बेनिफिट। यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, सर्विंग है, रिटायर्डीज हैं, NOK, उनके लिए क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी बैंक दे रही है, लठ गाड़ के ये PDF ले जाना, सामने रख देना, बिल्कुल साइन, एक एक पेज पर सिक्का और साइन लगा हुआ है, ब्रिगेडियर साहब के साइन है, लेटेस्ट है। अब स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ द गाइडलाइन टू कवर द फॉलोइंग पार्ट मेजर बेनिफिट ऑफ एसोसिएटेड विद DSP अकाउंट। यानी इसके अब मुख्य आपके फायदे क्या हैं, वैलिड MOU डिटेल्स और किन किन के साथ करारनामा हुआ है उसकी डिटेल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन किस किस कंडीशन में एलिजिबल है, क्लेम प्रोसीजर आप क्लेम कैसे करेंगे, चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, इन भागों में कवर किया जाएगा। वीडियो बड़ा हो जाए तो मुझे माफ करना। मेजर बेनिफिट एसोसिएटेड विद DSP अकाउंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस PAI ऑन डेथ ऑफ DSP अकाउंट होल्डर। यदि आप DSP अकाउंट होल्डर हैं, यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, यदि आपकी डेथ हो जाती है तो कौन कौन सी बैंक आपको इंसिडेंट कवर दे रही है, स्टेट बैंक दे रही है पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ अमाउंट सर्विंग अग्निवीर, सर्विंग सोल्जर और अग्निवीर है 50 लाख का, रिटायरीज को 30 लाख का। बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही है 60 लाख का अफसर, 60 लाख का ऑफिसर्स ड्यूटी का, ऑफिशियल ड्यूटी, और रिटायर 40 लाख, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक दे रही है 1 करोड़ का सर्विंग और 50 लाख का एक्सीडेंट कवर दे रही है रिटायरीज का, पंजाब नेशनल भी। IDBI बैंक दे रही है बिल्कुल 50 लाख सर्विंग या रिटायर्ड 50-50। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रही है 1 करोड़ और रिटायरीज का भी 1 करोड़ दे रही है। ICICI बैंक दे रही है 50 लाख और 50 लाख। यस बैंक दे रही है 60 लाख और 40 लाख। कितनी बैंकें दे रही हैं जरा आप गिनते रहना, पूछते रहना। कोटक महिंद्रा 50 लाख और 50 लाख, HDFC 50 लाख 50 लाख, एक्सिस बैंक 46 लाख एंड 46 लाख, बंधन बैंक 30 लाख और 30 लाख, और इंडस
अब बैंक 50 लाख 50 लाख, IDFC फर्स्ट बैंक 50 लाख 50 लाख, पंजाब एंड सिंध बैंक 1 लाख 1 करोड़ और 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बैंक आपको कवर कर रही हैं। हाँ जी दोस्तों 14, इनके अंदर आपका DSP पेंशन अकाउंट है तो आप DSP में भी ये कन्वर्ट करेंगे और आपको सारी सुविधाएं देंगे। अब आगे आगे और क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, लोन के लिए, वो भी जानना आपको जरूरी है। ये अभी पहला पेज खत्म हुआ है इसलिए मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों कंडीशन ऑफ द अवेलिंग रिलीफ, डेथ शुड ओनली बी ड्यू एक्सीडेंट, यानी डेथ के बाद, और डेथ शुड बी ओनली ड्यू इंसिडेंट विच मीन्स ए सडन आर अनफॉर्सीन इनवॉलंटरी इवेंट कॉज बाय एक्सटर्नल विजिबल एंड वॉयलेंट मीन्स। उन्होंने कहा है कि आपकी डेथ का कारण ऐसा हो कि अचानक आप कहीं गिर जाते हो, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए नेचुरल डेथ एंड सुसाइड नॉट कवर्ड। एवरी बैंक एज सेट प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम, हर एक का अपना अपना क्लेम का डॉक्यूमेंट का तरीका, टर्म्स एंड कंडीशन एज गिवन इन MOU टू बी फॉलोड, और टर्म्स ऑफ कंडीशन जो MOU में उनके फॉलो करे जाएंगे। अब PAI ऑन डिसेबिलिटी DSP काउंट, हाँ जी यदि आप युद्ध में घायल हो जाते हो तब क्या देंगे, रिटायरमेंट के बाद बड़ी इंजरी होती है या इस तरीके की, यानी आपका एक्सीडेंट हो गया लेकिन आपकी डेथ हुई, आपको इंजर हो गए, तब क्या देंगे, ये एक नया चीज है। स्टेट बैंक 50 लाख दे रही है और रिटायरीज को स्टेट बैंक कुछ नहीं दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विंग वालों को 60 लाख दे रही है और एक्सीडेंट 40 लाख दे रही है। अब कितना बड़ा एक्सीडेंट हो, कितनी बड़ी डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी मतलब छोटी चोट लग गई वो नहीं, डिसेबिलिटी का मतलब उसकी कंडीशन भी पढ़ना है, उसकी कंडीशन क्या, यार बंदा बिल्कुल बेड पे चला गया है, इस तरह की कंडीशन भी वो पड़ेंगे। पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ 50 लाख, IDBI 25 लाख 25 लाख, यूनियन बैंक 1 करोड़ 1 करोड़, ICICI बैंक 50 लाख 50 लाख, यस बैंक 60 लाख 40, कोटक महिंद्रा 50 लाख 50 लाख, HDFC 50 लाख 50 लाख, एक्सिस 46 46, बंधन 30 लाख 30 लाख, इंडोलेंस 50 लाख 50 लाख, IDFC 50 लाख 50 लाख, और पंजाब एंड सिंध 1 करोड़ 1 करोड़। अब इसकी कंडीशन पे आ जाते हैं। डिसेबिलिटी बेस ऑन परसेंटेज अमाउंट मेंशनड अबव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी। अब इसके ऊपर 100% डिसेबिलिटी है तो उसका आपको क्या चाहिए, एज पर इंश्योरेंस रेगुलर IRDI नॉर्म्स मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट कवर अंडर स्कीम, क्लेम विद प्रेस्क्राइब टाइम मस्ट बी सबमिटेड। यानी अब इन्होंने एक कंडीशन डाल दी है बिल्कुल कि भाई आपकी 100% डिसेबिलिटी है, उसका मेडिकल जो भी सर्टिफिकेट है और दिए हुए समय पर आप उस पर क्लेम कर सकते हो। एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन DSP अकाउंट, यानी यदि आप जहाज में यात्रा कर रहे तो हर एक बैंक आपको कवर दे रही है, पर्सन एयर इंसिडेंट इंश्योरेंस अमाउंट करोड़ों में दे रही है दोस्तों, यदि आप देखते हो हर एक बैंक दे रही है। सर्विस एयरक्राफ्ट कवरेज विद अदर बैंक्स इज बिंग डिस्कस फॉर इंक्लूजन इन देयर MOU के साथ के क्या क्या इसकी कंडीशन है। एड ऑन कवर ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज, अब और क्या क्या कवर कर रहे हैं, स्टेट बैंक प्लास्टिक सर्जरी, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के लिए 5 लाख, डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख, एयर एम्बुलेंस का, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन 20,000, और रिपीटेशन ऑफ मोटल इसके लिए एम्बुलेंस चार्जेस, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, IDBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आपकी प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के लिए ये इन्होंने पेज नंबर 4 पे ये सब चीज़ें कवर की हैं, हर एक ने कवर किया। एडिशनल असिस्टेंस ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज, एडिशनल क्या, स्टेट बैंक कह रही है हम एजुकेशन बेनिफिट्स 5 लाख का देंगे 1 child टिल ग्रेजुएशन तक, गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट 5 लाख, अंडर फॉर 1 18 से 25 साल उम्र की आपकी बच्ची की शादी है तो 5 लाख का आपको एक बेनिफिट है, वो साइज कम लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। बैंक ऑफ बड़ौदा हायर एजुकेशन के लिए, पंजाब नेशनल, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, यानी सभी बैंकें एजुकेशन और बच्ची की शादी के लिए भी ग्रांट दे रही हैं, यानी शायद सस्ते कम रिकवरी पर होगा, इसके अंदर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। और हर एक ने कहा अदर बैंक फैसिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉकर रेंट दे रही है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन एंड अदर बैंक ATM दे रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा
50% वेबर ऑफ लॉकर रेंट्स दे रही है, यानी लॉकर के लिए, और कंसेशन ऑफ हाउसिंग कार पर्सनल लोन भी एक बैंक दे रही है सस्ते दर से। आपको कार लेनी है, प्रोफेशनल रेट्स ऑफ लोन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कंसेशन, लॉकर और तमाम तरीके के इनकी जो स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। आप एक एक अपने पास पीडीएफ लोगे, आराम से पढ़ सकते हो। वैलिड एमओयू डिटेल्स, एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी हैज वैलिड एमओयू विद इन 14 बैंक्स, डिटेल विल चेंज एज द एमओयू एंड रिवाइज रिन्यू विल बी इन्फॉर्म। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा अभी तक जो रिन्यूअल एमओयू करारनामा हुआ है स्टेट बैंक के साथ, 31 अक्टूबर 2025 तक का करारनामा है सभी के साथ, यानी अभी अगले साल 25 तक का करारनामा हो गया है इस बैंक के साथ, आप देख सकते हो ये सारे आपके सामने। एलिजिबिलिटी कंडीशन, द फॉलोइंग आर जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इंश्योरेंस अमाउंट। अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सन एंड अग्निवीर मस्ट हैव बीन कन्वर्ट डिफेंस, यानी आपको डीएसपी अकाउंट जरूरी है, पहली कंडीशन है। कैजुअल्टी मस्ट बी एक्सीडेंट इन नेचर, सुसाइड, नेचुरल डेथ नॉट कवर। इंजरी एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एल्कोहल या ड्रग्स, आपने दारू पिया है। इंजरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेंड, आपकी गलती से कुछ आपने गड़बड़ किया है। एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन ए रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ, यदि आपने की गलत साइड में जाके मोटरसाइकिल घुसेड़ दी है और गलत आ रहा है और आपका वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या वो FIR में आती तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी कंडीशन डिफर आफ्टर बैंक एज पर द कंडीशन, एमओयू के हिसाब से कंडीशन चेंज होंगी। क्लेम प्रोसीजर क्या है, फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बाय ईयरली अप्रूवल, जैसे कहा है कि जो अर्ली अप्रूवल है उसके हिसाब से कंडीशन चेंज होती रहेंगी। चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, लोन डिफॉल्ट केसेस, और इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सा लोन प्रोसीजर है और आप इसको हमारे से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों चूकना नहीं, एक एक चीज को और मैं डिटेल में इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आराम से और समझ में आ जाए। अभी तक के इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।